नमस्कार, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ भारत के संवैधानिक विकास के सफरनामा के दूसरे अंक के साथ। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि संवैधानिक यात्रा जो भारत में हुई है, संविधान का जो निर्माण हुआ है, उसकी शुरुआत कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हुई है। संविधान जो विधियों का संग्रह है, उसके निर्माण की कहानी बहुत प्राचीन है। और जब हम इसको देखेंगे कि भारत में विधि बनाना, कानून बनाना, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो भारत में विधि के लिखित रूप से कानून की शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन से। जब कंपनी शासन की शुरुआत हुई तो 1773 ईस्वी में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया, नियामक अधिनियम हिंदी में कहते हैं हम इसको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया। उन दिनों बंगाल के गवर्नर होते थे वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में हमारा जो पिछला वीडियो रहा है उसमें आप इसे देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 ईस्वी में आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, उन दिनों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। वारेन हेस्टिंग्स जो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके समय में आया पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1784 के बाद 1786 का अधिनियम आया, तब बंगाल के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। खास बात हमें देखनी है, 1773 ईस्वी के एक्ट के बाद हर 20-20 साल के अंतराल में उसकी समीक्षा करने हेतु ब्रिटिश संसद ने एक स्पेशल चार्टर भेजा। तो 1773 से जब हम 20 साल जोड़ते हैं तो 1793 होता है, और चार्टर अधिनियम फर्स्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्षों से जो वहाँ की व्यवस्था हुई है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, उसकी खामियों के ऊपर और उससे जो विशेषताएं थी दोनों के ऊपर समीक्षा करके विशेष अधिनियम भेजा जाता था जिसका नाम था चार्टर। तो ये चार्टर वन, चार्टर एक्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं, 1793 ईस्वी में आया। जॉन सोर उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। चार्टर अधिनियम दो, फिर 20 साल बाद, 20-20 वर्षों का चार्टर अधिनियम दो, 1833, 73 से 20 जोड़िए 93, 93 से 2 जोड़िए 1813 में दूसरा चार्टर अधिनियम आया हेस्टिंग्स के समय। 1833 ईस्वी विलियम बेंटिक चार्टर अधिनियम 1833 खास था इसलिए भी क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, विलियम बेंटिक के समय में आया। चार्टर अधिनियम 1853 का आया, चौथा चार्टर कह सकते हैं। डलहौजी उस समय भारत का जो ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी गवर्नर जनरल हो, वायसराय हो, जो भी हो, उनमें सबसे बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति, साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए जाना जाता था डलहौजी। 1857 की क्रांति के बाद 20 वर्षों का इंतज़ार मुश्किल था, इसलिए तुरंत एक अधिनियम लाया गया 1858 का, कैनिंग के समय में। तो यहाँ हम एक बात देखते हैं कि कभी कभी जो हमारा निश्चित नियमित रूप से जो हम समय सीमा निर्धारित करते हैं, इसके बीच में किसी खास कारणवश हमें नया कानून को लगाना पड़ता है, और ऐसा ब्रिटिश शासन ने भी किया। जब 1857 की क्रांति की घटना हुई तो उसके तुरंत बाद 1858 ईस्वी में एक खास अधिनियम बनाकर भारत भेजा। फिर भारतीय परिषद अधिनियम आया 1861 ईस्वी में, एल्गिन प्रथम उस समय भारत के वायसराय थे। वायसराय शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया, गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता चली गई और कैनिंग पहले वायसराय हो गए, तब एल्गिन के समय में 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आया। भारतीय परिषद अधिनियम का एक दूसरा संस्करण आया 1892 ईस्वी में, लायंस डाउन के समय में। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में भी आया, इंडियन काउंसिल अधिनियम, यानी इसमें काउंसिल को मजबूत किया जा रहा था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो द्वितीय के समय में लाया गया था, वायसराय मिंटो द्वितीय थे, इसलिए
के नाम के साथ एक नाम आप देखते होंगे, मार्लो मिंटो सुधार। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मिंटो वायसराय थे और मार्लो कौन थे? मार्लो उन दिनों भारत सचिव थे। तो भारत सचिव मार्लो, भारत वायसराय मिंटो, और उनके समय में यह आया, इसलिए 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जो चेम्सफोर्ड वायसराय थे, और इसलिए इन उस समय भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, तो चेम्सफोर्ड वायसराय मॉन्टेग्यू भारत सचिव, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर 1935 ईस्वी विलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम आया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के लिए खास अर्थ रखता है, क्योंकि भारतीय संविधान के 50% से अधिक जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, अर्थात यूं समझ लें कि भारतीय संविधान में जो उपबंध किए गए हैं, जो व्यवस्था की गई है, उसका 50% से भी अधिक का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। तो इसके बाद हम, चूंकि हमने जिक्र किया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, खास हम जान चुके हैं, हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में यह आया 1784 ईस्वी में। 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो भारत में जो कंपनी का शासन जो स्थापित हो चुका था, उसको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसके बारे में हम लोग सुन चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 सदस्य होते थे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को थोड़ा कम किया गया, उसकी संख्या घटाई गई, 3 कर दिया गया, और इनमें से भी एक सदस्य सेनापति होते थे, जो सेना कमांडर थे सेना के, वो निश्चित ही होते थे। तो उसके बाद जो भी निर्णय होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो बहुमत के आधार पर होता था, अर्थात 3 सदस्यों में से 2 का निर्णय जिसमें होता, उसके उसे मान्य समझा जाता था, यानी बहुमत के आधार पर इसके द्वारा निर्णय होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इसमें ध्यान में रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 3 सदस्य कर दिए गए थे, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट में ने इसकी व्यवस्था की थी और उसके सदस्य संख्या 3 थी, सॉरी 4 थी, उसको 3 कर दिया गया। ये डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल थे, और यहाँ देख लें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बीसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने हेतु, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसे हम कह सकते हैं नियंत्रण बोर्ड, यह निदेशक बोर्ड, यह नियंत्रण बोर्ड। तो नियंत्रण बोर्ड का काम था कि उस पर नजर रखिए, आप नियंत्रित करिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्वेच्छाचारी हो जाए, जो मन में आए वो करने लगे, इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को के ऊपर नजर रखने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी शासन में एक विशेष बोर्ड का गठन किया, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रकार से 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया, जिनमें 6 सदस्य थे। 3 नी से आप इसके कार्य को समझ सकते हैं, नियंत्रण करना, निरीक्षण करते रहना यानी देख रेख करते रहना, और साथ साथ समय समय पर सलाह देते रहना, निर्देशन करते रहना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन। इस प्रकार से हम देखते हैं तो भारत में 1784 ईस्वी से द्वित्त शासन की शुरुआत होती है। द्वित्त शासन का अभिप्राय होता है 2 का शासन, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, यानी ये दोनों मिलकर के शासन कर रहे थे। तो हमें अगर पूछा जाए कि कंपनी शासन में द्वित्त शासन की शुरुआत कब से होती है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के बाद 1784 ईस्वी में होती है।
1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई तब भी यही व्यवस्था थी। 1858 ईस्वी में इस दोनों को, मतलब ये जो द्वैत शासन था इसको खत्म किया गया और शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चली गई। तो अगर हमसे पूछा जाता कि पिट्स इंडिया एक्ट की खास बातें क्या रही, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी का शासन था उसका शासन की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही रहने दिया गया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करने हेतु एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो 6 सदस्यीय बोर्ड थे और ये इनका काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करना, निरीक्षण करते रहना और साथ साथ समय पर हेतु उसे निर्देशित करना। सम्राट को ये अधिकार था, ब्रिटिश सम्राट को, कि वो किसी गवर्नर को, गवर्नर जनरल को वापस बुला सकता था या भेज सकता था, है ना। इसके साथ ही इसके जो सदस्य सब थे और या इसके द्वारा जो अधिकारी आते थे वह एक विशेष इम्तिहान के द्वारा, वो परीक्षा के द्वारा इसमें प्रवेश पाते थे। खास बातें रही, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैत शासन की, दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत किया जो 1858 ईस्वी तक बना रहा और 1858 ईस्वी में वह ख़त्म हुआ। यूं ही हम आपके बीच में उपस्थित रहे होते रहेंगे। ये था हमारा संवैधानिक सफर के सीढ़ी नंबर 2 पर पिट्स इंडिया एक्ट था। अगले सीढ़ी में हम लोग देखेंगे, तब 1786 ईस्वी की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।